राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में बने अमृत उद्यान का निरीक्षण किया। आपको बता दें, ये उद्यान 16 अगस्त से एक महीने तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का ग्रीष्मकालीन संस्करण 16 अगस्त से शुरू होगा। इससे पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अमृत उद्यान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने आम नागरिकों के लिए 16 अगस्त से एक महीने तक खुलने वाले अमृत उद्यान के प्रवेश स्लिप का उद्घाटन किया और एक गमले में तुलसी बीज का रोपण किया। राष्ट्रपति ने अमृत उद्यान में मौजूद बच्चों को बैज और चॉकलेट वितरित की और उनके साथ दिलचस्प संवाद भी किया। उन्होंने उद्यान में विभिन्न फूलों और पौधों की प्रजातियों की जानकारी भी प्राप्त की। अमृत उद्यान शुक्रवार से 15 सितंबर तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जनता के लिए खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5:15 बजे तक होगा। इस बार उद्यान में पत्थर का अबेकस, ध्वनि पाइप और संगीत दीवार जैसे प्रमुख आकर्षण होंगे। राष्ट्रपति के उप प्रेस सचिव नाविका गुप्ता ने बताया कि अमृत उद्यान में आने वालों को तुलसी के बीज से बने बीज पत्र भी दिए जाएंगे, जो एक अनोखा और पर्यावरण मित्र स्मृति चिन्ह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।